दौलत नगर सर्कल को सबसे बड़ा योगदान हमारे माननीय आमदार एडवोकेट आशीष जी शेलार का रहा है, जिन्होंने ये बहुत ही सालों से जो प्रकल्प के बारे में हम लोग सोचते हैं उनको आगे कैसे लेके हम लोग इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके। और सब लोगों को शायद पता ही होगा कि ये रोड की कंडीशन और ये गार्डन की कंडीशन डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही थी, अभी उसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने जा रहे हैं। मेरी उम्मीद है और एक आशा, बहुत ही अच्छी तरीके से याद करते हैं जो एक लैंडमार्क बन जाता है। तो मेरी एक ये आशा है, ये उम्मीद है कि ये सर्कल भी सेंटा क्रूज का एक बेहतरीन सर्कल बने, जिसको पूरी मुंबई में जो भी हो एक लैंडमार्क की तरीके याद करें और यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बनाएं ताकि लोग इसको एंजॉय भी कर सकें, इसको यूटिलाइज भी कर सकें। ये प्रकल्प के लिए काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ, इसका स्क्वायर मीटर छोटा है, इसको कैसे बड़ा किया जाए। उसके लिए हमारे वार्ड ऑफिसर शरद उगाड़े ने भी बहुत सारी मीटिंग लिया आशीष जी के साथ में, SRA माडा सब कुछ करके ये चीज़ को हम लोग आपके लिए बनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी और हम लोग जैसे ये भूमि पूजन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसे ही हम लोग इसको जब रीओपन करेंगे तभी भी हम लोग इतना ही बड़ा और अच्छी तरीके से फंक्शन करेंगे और इसको मेंटेन करेंगे। ये जो गार्डन है इसको स्पेशली डिज़ाइन किया है उमेरा जी ने, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। बहुत ही कम उम्र की है लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको डिज़ाइन किया है। आई होप सब लोगों को पसंद आए। मैं अलका जी का भी यहाँ पे बहुत ही धन्यवाद करूँगी कि कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ के लिए जहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, वो कभी भी रेडी रहती है मुझे एडवाइस देने के लिए, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी। और मैं आज आप सबके सामने एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ऐसे बहुत से कम नगर सेवक होंगे जिनको एक आमदार मिलता है जो उनको ब्रीफ करता है कि आज आप ये करो तो ये अच्छा है, बाकी खाली नगर सेवक का ये स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो अच्छी तरीके से उसको प्लान करें। गलती होती है, मैं कभी भी इनको बोलूँ तो ही इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई थैंक एडवोकेट आशीष शेलार जी, मुंबई अध्यक्ष। बाकी तो ये जो भी रोड का वगैरह काम होगा, जैसे जैसे हम लोग भूमि पूजन करते जाएंगे हम लोग आपको ब्रीफ करते जाएंगे कि आगे आगे क्या होते जा रहा है, लेकिन देश बदल रहा है ये इसकी शुरुआत है। हमारा सांता क्रूज बदल रहा है ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि सांता क्रूज काफ़ी सालों बाद में ऐसा बनने जा रहा है कि आपको भी लगेगा कि स्वच्छ मुंबई, ग्रीन मुंबई और देश बदल रहा है। ये शुरुआत हमारी सांता क्रूज से होनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों का जो भी सहयोग सहकार हमारे को लगे वो दीजिए, हम भी आपके लिए ऑलवेज तैयार हैं। मैं आशीष जी से गुजारिश करूंगी कि वो आपको संबोधन करें और दो शब्द कहें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे BMC के असिस्टेंट कमिश्नर शरद उगाड़े जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी नगर सेविका स्थानिक हेतल गाला जी, अलका केरकर जी, अजीत गुरव जी, रमेश शर्मा जी, गिरीश भाई और यहाँ पर उपस्थित करिश्मा जी, अदा जी और उपस्थित सभी भाई और बहन और जुमेरा जी जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। आज ये बहुत अच्छा सौभाग्य है हमारे लिए कि सांता क्रूज के इस विभाग में झोपड़पट्टी पुनर्वसन की योजना काफ़ी सालों से अटकी थी, लटकी थी, जो भी कहो, और उसके कारण इस विभाग में जो सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट्स की आवश्यकता थी वो काम पूरे नहीं हुए थे। गए 6-8 महीने से लगातार इन सभी चीज़ों के लिए मैं स्वयं, हमारी सांसद पूनम महाजन जी, हमारी नगर सेविका हेतल गाला जी, हम सब लोग इसके लिए काफ़ी प्रयास करते हुए SRA में CEO के पास, ACS हाउसिंग के पास इसकी काफ़ी मीटिंग हमने ली,
और ये दौलत नगर की स्कीम जो 15-16-17 साल से पूरी होने का नाम ही नहीं ले रहा है और उसमें बहुत सारी समस्या है। एक बात को स्पष्ट कर दे कि ये स्कीम को अप्रूवल ये 16-17 साल पहले आया और तब से अभी तक इसका प्रोग्रेस ये बहुत कम तरीके से चल रहा है। बावजूद इसके इसमें मल्टीपल क्रिमिनल केसेस कोर्ट में है और उसके कारण इसमें आगे बढ़ते समय स्वाभाविक इसके पहले जो एमएलए थे या उनके जो नुमाइंदे थे उनके कारण इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाया नहीं जा सका और ये बात एकदम स्पष्ट है। जब गए 1.5-2 साल से सॉरी सर हमारे बीच उपस्थित अभिनेत्री प्रिया बैनर्जी प्लीज कम ऑन स्टेज। प्रिया बैनर्जी सॉरी सर कंटिन्यू। टिश्यू को इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था किया गया था या है कि जिसके कारण इस इश्यूज में स्लम रीडेवलपमेंट का तो इश्यू है ही है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स के काफी सारे इश्यू इसमें हैं। जैसे कि इन इश्यूज को भी एड्रेस करना जरूरी था। अल्टीमेटली ये 6-8 महीने के लगातार प्रयास के बाद अभी इसमें बहुत सारी प्रगति हो गई है। जैसे आपने देखा होगा कि जिस रेंट पे गए हुए लोगों को रेंट्स नहीं मिल रहे थे उसका काम 2 कदम आगे बढ़ा, रेंट लोगों को मिलने लगा। यहाँ पर जो ट्रांजिट कैंप है उसकी अवस्था बहुत ठीक नहीं थी तो पहले हमने एसआरए में कहा कि भाई जो भी बिल्डर हो, एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये गिरीश भाई और बाकी सब लोग स्टेज में होंगे तो भी हम किसी बिल्डर के पार्टनर नहीं और कोई बिल्डर हमको परचेस कर सकता नहीं, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। पहले के जमाने में अलग था और इसके लिए मैं हूँ हेतल जी, अलका ताई, पूनम जी, इसमें से किसी को भी किसी के खरीदने की ताकत नहीं और ना हम किसी के लिए बेचने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम लोगों के लिए यहाँ पर है और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिट कैंप की अवस्था भी ठीक नहीं थी, हमने एसआरए को कहा कि भाई इस ट्रांजिट कैंप में रहने हुए लोगों की अवस्था तो झोपड़पट्टी से भी बदतर है, उनका रिपेयरिंग पहला शुरू करो। और अच्छी बात है कि डेवलपर ने उसका रिपेयरिंग भी शुरू किया है, आगे चल के हम उसका भी नुमाइना करेंगे। तीसरी बात यह थी कि ये जो रोड है लगातार हम बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर को कहते थे कि इसके ऊपर खड्डे पड़ रहे हैं, बार बार रिपेयर करो। झगड़ा ये होता था कि ये डेवलपर के पास है, एसआरए के पास है, एसआरए करेगा, एसआरए कहती थी ये बीएमसी करे तो अच्छा है, हमारे पास अभी बिल्डर ने कहा हैंड ओवर किया है, लेकिन लोगों को तो तकलीफ थी। तो लगातार इसका फॉलोअप करके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को हमने प्रायोरिटी दी और बीएमसी से हमने एक अच्छी ऑर्डर ले ली कि टाउन प्लानिंग स्कीम में रोड होने के कारण ये रोड स्कीम पूरी हो ना हो यानी जल्दी होगी लेकिन वो उस तक तब तक रुकने की जरूरत नहीं, उसके पहले यह रोड बीएमसी को एक्वायर करने लगा है और बीएमसी ने रोड एक्वायर कर लिया। और आज जब हम यहाँ पर आए हैं तब यहाँ पर 2 बार सर्वे हो चुका और ये रोड भी सीमेंट कॉन्क्रीटाइज का बनने के काम की प्रक्रिया को शुरुआत हो गई है। तो होने वाले 1-2 महीने में इसकी भी ऑर्डर निकल जाएगी और ये भी सीमेंट कॉन्क्रीट का सीसी रोड बनेगा। सीवर कनेक्टिविटी नहीं है, वो सीवर कनेक्टिविटी होगी। इस रोड पर अपना स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 17 सालों में नहीं आई, वो अभी हम कर रहे हैं। फिर आगे का इशू था कि एक जगह जो है ये ओपन जगह है और ये प्लान में तो गार्डन दिखाया है तो ये गार्डन होना चाहिए लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स हो, बच्चे हो, इस विभाग के लोग हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबके लिए ओपन स्पेस गार्डन, ये ओपन अच्छा होना चाहिए, ये बद्दा दिखता है। इस बात को भी हमने एसआरए के सामने रखा और पहले डेवलपर को कहा भैया तुम गार्डन का भी डेवलपमेंट करो और जुमेरा जी ने इसको डिज़ाइन किया। 2 बार इसके ऊपर हम बैठे और मैं ये कह सकता हूँ कि आज सांता क्रूज में सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा और सेल्फी पॉइंट के साथ अच्छे डिजाइनिंग वाला गार्डन सांता क्रूज में ये होगा। इस प्रकार का डिज़ाइन हमारे लोगों ने यहाँ पर बनाया है और गिरीश भाई पटेल उसको मेंटेन भी करने वाले हैं, बराबर ना? नहीं तो बनाएगा कोई और बाद में मेंटेन करने कोई नहीं रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मेंटेन भी ये करेंगे और ये गार्डन का काम आज से शुरू हो रहा है।
मुझे लगता है रोड, सीवर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, स्ट्रीट लाइट, ट्रांजिट स्कैम, रेंट, गार्डन, ये 6 महीने में इतनी प्रगति इस सब प्रोजेक्ट में हो रही है और उसी के साथ साथ रिहैब का भी प्लान शुरू हो जाएगा और उसको परमिशंस मिले, ये कानूनन प्रक्रिया का भाग इस नाते जहाँ पर कानूनन जरूरत हो वहाँ हम रिहैब के लिए 100% लोगों के रिहैब के लिए काम में भी लगे हुए हैं। आज ये अच्छा मौका है कि आज हम लोग यहाँ पर इस गार्डन का भूमि पूजन कर रहे हैं और हेतल जी, अलका दई, पूनम महाजन जी, इनके प्रयासों से, गिरीश भाई पटेल, उनके सुपुत्र जुमेरा जी, इनके सबके प्रयासों से हो रहा है और ये पहला गार्डन होगा सांता क्रूज में जितना खूबसूरत हो रहा है और उसके लिए इतने खूबसूरत चेहरे भी यहाँ पर आए हैं। सो आप सबको इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसा गार्डन अच्छा बनाए और इसके लिए आप सब लोग मेहनत करें। मुझे पुणे जाना है, टेक ऑफ है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं निकलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।